हस्बैंड प्रताड़ित हो रहा है तो वाइफ उसको डिवोर्स नहीं दे रही है, दोनों में से कोई भी अगर एडल्ट्री में है, किसी भी प्रकार की हिंसा अगर पार्टनर के साथ में हो रही हो, दो साल से एक साथ नहीं रहे हैं, तो भी अगर हस्बैंड या वाइफ में से कोई भी अगर धर्म परिवर्तन कर लेता है, नमस्कार दोस्तों, लीड इंडिया लॉ एसोसिएट से नहीं लीला के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत सारे ऐसे हस्बैंड हैं जो बहुत प्रताड़ित हो रहे होते हैं, या पत्नियां भी ऐसी होती हैं जो प्रताड़ित हो रही होती हैं, और दूसरी पार्टी यानी कि अगर हस्बैंड प्रताड़ित हो रहा है तो वाइफ उसको डिवोर्स नहीं दे रही है, और वाइफ प्रताड़ित हो रही है तो हस्बैंड डिवोर्स नहीं हो रहा है। इस वीडियो में मैं बताऊंगा 8 वो तरीके 8 वो पॉइंट जिसके माध्यम से आप एक तरफा डिवोर्स ले सकते हैं। सबसे पहला चीज है कि अगर हस्बैंड वाइफ के बीच में रिलेशन खराब हो गया है, और ये जो 8 मैं आपको पॉइंट बताऊंगा इनमें से कुछ भी एक आपके मैरिड लाइफ में एग्जिस्ट कर रहा है, तो आप डिवोर्स का पिटीशन फाइल कर सकते हैं, और आप वन साइड एक तरफा भी आप डिवोर्स ले सकते हैं। सबसे पहला चीज तो ये है कि अगर कोई हस्बैंड या वाइफ दोनों में से कोई भी अगर एक एडल्ट्री में है, दोनों में से कोई भी अगर एडल्ट्री में है, या दोनों ही अलग अलग जगह पे एडल्ट्री में क्यों ना हो, तो उस परिस्थिति में आप डिवोर्स फाइल कर सकते हैं, चाहे आपका पार्टनर डिवोर्स देने को तैयार क्यों ना हो। मतलब वो अगर तैयार नहीं भी है तो भी आप कोर्ट में जा सकते हैं और डिवोर्स का पिटीशन फाइल कर सकते हैं। अब एक प्रॉब्लम ये होती है कि जितने भी पिटीशन फाइल किए जाते हैं डिवोर्स के लिए, उसमें से ज्यादातर पिटीशन के अंदर जो बताया जाता है कि एडल्ट्री रीजन है, लेकिन दोस्तों आपको यह जानना चाहिए कि एडल्ट्री को कोर्ट में साबित करना बहुत मुश्किल होता है। एडल्ट्री का मतलब यह होता है कि आपकी पत्नी या आपके पति का किसी और व्यक्ति के साथ में अगर शारीरिक संबंध बन रहा है तो उसको माना गया है व्यभिचार यानी एडल्ट्री। अब क्वेश्चन यह है कि शारीरिक संबंध को कैसे प्रमाणित किया जा सकता है। शारीरिक संबंध को प्रमाणित करने के लिए अगर कोई ऐसे फोटोग्राफ्स एक दूसरे के साथ व्हाट्सएप पे एक्सचेंज हो रहे हो, जैसे न्यूड फोटोग्राफ्स हो, या वो शारीरिक संबंध बनाने की बातें कर रहे हो, उसकी चैटिंग हो रही हो, या कोई ऑडियो रिकॉर्डिंग हो, या आपके पास में कोई ऐसा फोटो या वीडियो हो जिसमें शारीरिक संबंध उसको देख के पता लगाया जा सके कि शारीरिक संबंध ही बन रहा है या बनते हुए की फोटो हो, तो ये सारी एविडेंसेस होने के बाद ही आप कोर्ट में एडल्ट्री को प्रूव कर सकते हैं। अदरवाइज एडल्ट्री अपने आप में एक बहुत डिफिकल्ट टास्क है उसको कोर्ट के अंदर प्रूफ करना। दूसरा जो पॉइंट है वो हिंसा, यानी कि किसी भी प्रकार की हिंसा अगर पार्टनर के साथ में हो रही हो तो वो भी एक ग्राउंड है डिवोर्स का। अब हिंसा दो तरीके से हो सकती है, मानसिक भी हो सकती है, शारीरिक भी हो सकती है। अगर पति पत्नी के साथ में शारीरिक हिंसा कर रहा है यानी मार पिटाई कर रहा है, या मानसिक रूप से उसको ऐसे ऐसे ताने दे रहा है, या ऐसी ऐसी चीजें बोल रहा है जैसे उसकी सुंदरता को लेकर के तुम काली हो, मोटी हो, या पति को कोई बोल रहा है कि तुम नपुंसक हो, या कुछ तुम किसी काम के नहीं, ऐसे कुछ ऐसे ताने दिए जा रहे हैं, और उसका अगर आपके पास एविडेंस है तो ये क्रुएलिटी के अंतर्गत आता है और आप उसके बेसिस पे डिवोर्स ले सकते हैं। अगर हस्बैंड और वाइफ अगर दो साल से एक साथ नहीं रहे हैं तो भी आप उनसे डिवोर्स ले सकते हैं, लेकिन आप ये ध्यान रखें, दो साल से अलग अलग रहने का मतलब ये है कि वो किसी विवाद की वजह से जानबूझ के इंटेंशनली अगर वो अलग रह रहे हैं और शारीरिक संबंध नहीं बन रहा है तो दैट इज ऑल्सो ए ग्राउंड ऑफ डिवोर्स, उसके बेसिस पे भी ले सकते हैं। अब ऐसा नहीं है कि वाइफ जो है या हस्बैंड किसी अपने काम की वजह से कहीं विदेश गया हुआ है और आप इधर डिवोर्स के लिए पिटीशन फाइल कर दो, ऐसा नहीं है। वो इंटेंशनली होना चाहिए कि इंटेंशनली लड़ाई झगड़े की वजह से दोनों दो साल से अलग रह रहे। चौथा जो बेसिस है वो है धर्म परिवर्तन। अगर हस्बैंड या वाइफ में से कोई भी अगर धर्म परिवर्तन कर लेता है, अपना रिलीजन चेंज कर ले, तो वो भी एक ग्राउंड है डिवोर्स लेने के लिए। केवल आपको कोर्ट में धर्म परिवर्तन का वो सर्टिफिकेट देना होगा और उसके बेसिस पे आपका जो डिवोर्स है वो फाइनल हो जाएगा, उसकी डिग्री मिल जाएगी। फिफ्थ है, अगर हस्बैंड वाइफ में से किसी ने गृहस्थ जीवन को छोड़ करके संन्यास ले लिया हो, यानी साधु या साध्वी बन गया हो या बन गई हो, तो उस स्थिति में भी ग्राउंड है कि आप डिवोर्स ले सकते हैं। एक छठा पॉइंट जिसके बारे में बहुत सारे लोग जिक्र करते हैं, गुमशुदगी।
गुमशुदगी का मतलब है कि आपको अपने पार्टनर के बारे में कोई जानकारी ही नहीं है। मतलब 7 ईयर्स तक अगर आपको अपने पार्टनर के बारे में कोई जानकारी नहीं है, आपने पुलिस में कंप्लेन किया 7 साल पहले, 7 साल तक आपको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो उस स्थिति में गुमशुदगी माना जाएगा। यह माना जाएगा कि 7 साल में वो व्यक्ति डेड हो गया होगा या वो पता नहीं किस कहीं और चला गया होगा। आपको यह अधिकार मिल जाता है कि आप डिवोर्स लेके कहीं और शादी कर लें। कि अगर किसी भी प्रकार से गंभीर या शारीरिक या मानसिक रोग हो जाए, ऐसा कोई रोग हो जाए जो फैलने वाला रोग हो, जिसकी वजह से एक सामान्य शादीशुदा जिंदगी को चलाना मुश्किल हो जाए, जिसकी वजह से शारीरिक संबंध बनाना मुश्किल हो जाए, तो उस परिस्थिति में भी डिवोर्स का लिया जा सकता है, एक तरफा डिवोर्स लिया जा सकता है। और 8वां जो पॉइंट है, जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मतलब पति अगर नपुंसक हो जाए, उसके अंदर नपुंसकता आ जाए या पत्नी मां बनने में सक्षम ना हो, तो उस स्थिति में भी डिवोर्स लिया जा सकता है। तो ये मैंने ग्राउंड आपको जो बताए हैं वो एक तरफा डिवोर्स यानी कंटेस्टेड डिवोर्स के ग्राउंड्स बताए हैं। इसके बेसिस पे अगर पार्टनर डिवोर्स के लिए मना करे तब भी आप डिवोर्स ले सकते हो। बस कोशिश आपको ये करनी है कि सही तरीके से अपने केस को प्रिपेयर करें, बढ़ा चढ़ा के मिर्च मसाला लगा के अपने केस में बहुत सारी बातें कह के कोई फायदा नहीं है। टू दी पॉइंट बात करें, और अगर कोई दिक्कत हो तो लीगल एडवाइस ले सकते हैं, और सही तरीके से अगर आप एडवोकेट से साथ काम करेंगे, हायर करेंगे, तो निश्चित रूप से आपको सहायता मिलेगी। आपको अगर कोई समस्या हो रही है तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर 8800444555 पे कॉल कर लें। आप सुबह में 9 बजे से लेकर शाम को 8 बजे के बीच में 7 डेज कॉल कर सकते हैं, और आप हमारे ईमेल पे जो care@theleela.in है उस पर भी जा करके ईमेल कर सकते हैं। आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, और किसी भी तरीके से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हम लोग आपको पूरी सहायता करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।